हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बरसाते रहें। और एक चीज़ और बोलूँगी, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनका मैं बहुत ही तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ और बहुत ही वेलकम करती हूँ उनका। इसी तरह से आप आगे भी बने रहें चैनल पर। ज्योतिषीय परामर्श के लिए अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है और वो डिस्काउंट के कुछ टर्म कंडीशन है, लेकिन हाँ, डिस्काउंट दिया जा रहा है जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो तुरंत आप संपर्क कीजिए और 2019 को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय आपके लिए बन सके, आने वाले समय में 19, 20, 21, 22 जो भी वर्ष अब आने वाले हैं, 3-4 साल, कहीं ऐसा तो नहीं जीवन में कोई संकट आने वाला है या कोई मुसीबत आने वाली है। मित्रों, मैं दिल से तो यही कामना करती हूँ कि आप किसी संकट में ना पड़ें, कोई आपकी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जीवन का क्रम है, हम जानते हैं कि सुख दुख सब कुछ विधाता के हाथ में है, लेकिन विधाता हमें इसका रास्ता भी बताता है और यही मीडिएटर होते हैं, विधाता के मीडिएटर ही होते हैं, एक तरह से माध्यम होते हैं जो ज्योतिषी गण होते हैं या जो विद्वान लोग होते हैं या जो हाथ देखने वाले होते हैं या भविष्यवक्ता होते हैं, वो आपकी कुंडली की जांच करके आपको बचने का मार्ग बताते हैं। जिसकी जितनी साधना होती है उसके फलादेश उतने ही सटीक बैठते हैं। तो इसी क्रम में मेरा निवेदन यही है कि इस मौके को जाने ना दें और अपनी कुंडली की जाँच करवा कर भविष्य में आने वाले आकस्मिक मुसीबतों से और संकटों से आप बच सकें, उनके निमित्त उपाय कर सकें। क्योंकि तुरंत उपाय करने से इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कई समस्याएं इतनी विकट होती हैं, बड़ी होती हैं, इतना ज़बरदस्त खराब टाइम आने वाला होता है। अब एक चीज़ और क्लियर करूँगी, ये डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपको आगाह करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, कि जैसे चेतावनी दी जाती है ना कि भारी वर्षा होने वाली है, आप इस तरह के वस्त्र पहनकर निकलें या इस इलाके में ना जाएं, आप जानते हैं ना ये चीज़। तो बस यही चीज़ है कि हम जानते हैं कि किसी किसी की कुंडली में हो सकता है कोई संकट के बिंदु विद्यमान हो और वक्त रहते ही उनका निवारण आप कर लें। तो इसी क्रम में आज का वीडियो में ये जानकारी मैंने आपको दी है, तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दी हुई है उसके थ्रू ही आप कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए। इसमें आप कमेंट्स में आप अपनी कुंडली का डिटेल या ये सब प्लीज़ मत भेजिए, क्योंकि उसके लिए इतने सारे क्वेरीज आती हैं, जवाब देना बिल्कुल संभव नहीं होता है। बाकी मैं बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपको देती ही हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का वीडियो है इसमें मैं बहुत ही खास जानकारी आपको देने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 5 अगरबत्ती का दिव्य प्रयोग करके आप अपने घर का सुरक्षा चक्र पूरे वर्ष के लिए, टाइम टू टाइम वैसे करना पड़ेगा आपको ये, लेकिन पूरे वर्ष के लिए और अपने आगामी जीवन के लिए किस तरह से आप बना सकते हैं, आज यही आपको बताने जा रही हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं रेकी हीलर भी हूँ, रेकी में कुछ खास प्रोसीजर होते हैं। हम लोग वैसे तो जो पॉल्यूशन की वजह से आजकल अगरबत्ती का काफ़ी विरोध हो रहा है कि घर में अगरबत्ती वगैरह ना लगाएं, लेकिन दीपक ही जलाएं, लेकिन अगरबत्ती का कुछ प्रयोग होता है, कई कई जगह ऐसा होता है जहाँ अगरबत्ती का ही प्रयोग होता है। तो इस तरह से आप 5 अगरबत्ती लीजिए, किसी भी फ्रेग्रेंस की ले सकते हैं। 5 अगरबत्ती लेकर रेकी का एक सिंबल होता है जिसको कि चौकुरे बोलते हैं, चौकुरे सिंबल की फोटो आपको मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करके मिल जाएगी आपको, और उसमें सर्च करके आप ले लीजिए, चौकुरे का फोटोग्राफ ले लीजिए और किस तरह से उसको बनाना है वो भी आप देख लीजिए। हालांकि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं इस पर शीघ्र ही एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें रेकी के सिंबल का तरीका बनाने का मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये मुझे मालूम है इजीली आपको मिल जाएगा इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो जो रेकी के ये सिंबल है चौकुरे, इसको आप अपने घर के चारों दीवारों की तरफ, घर के जो फर्श है उसकी तरफ, घर की छत की तरफ और हर कमरे के कोनों की तरफ 5 अगरबत्ती लीजिए और चौकुरे बनाते हुए हर कमरे में भ्रमण कीजिए और इस तरह से सुरक्षा चक्र आप बना लीजिए। ये सुरक्षा चक्र आप बनाते हैं तो इससे पूरा घर सुरक्षित रहता है और नज़र, बुरी बाधा, बुरी जो बलाएं होती हैं वो कोसों दूर रहती हैं। तो 5 अगरबत्ती का ये दिव्य प्रयोग आप करके देखिए और रेकी का ये जो बहुत ही पावरफुल, वैसे तो और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, उनका प्रयोग करके आप अपनी समस्या जो कि नज़र बाधा या तरह तरह के विकट जिसको बोलते हैं समस्याएँ जीवन में आ जाती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सुरक्षा चक्र निर्मित होता है तो वो आप ज़रूर बनाइए और 5 अगरबत्ती ही आपको लेनी है। ये प्रयोग आप अवश्य ही कीजिएगा। इसके अलावा हमारे भारत में भी जो हम जैसे स्वास्तिक बनाते हैं वो भी बहुत सशक्त सिंबल है। हम त्रिशूल बनाते हैं माताजी का, वो भी सशक्त सिंबल है। ओम बनाते हैं, वो भी सशक्त सिंबल है। इन पर भी मैं शीघ्र ही वीडियो दूंगी आपको और बनाने का सही तरीका भी आपको बताऊंगी। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।